नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है। पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ था और इसीलिए जो इस बार के कट ऑफ प्रिडिक्शन है वो बहुत सारे पिछली बार से काफ़ी कम होने की उम्मीद बिल्कुल पूरी पूरी है। देखिए, मेन बात ये है कि कट ऑफ, ये जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ आपको, ये बड़ी बड़ी जितनी भी दिल्ली कोचिंग है उन्होंने ये कट ऑफ गेस किया है। बाकी लेकिन ये कट ऑफ एकदम एग्जैक्ट इसी रेंज में रहेगा कि नहीं, ये नहीं पता है किसी को भी। सभी लोग अपना अपना गेस कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरी लिस्ट बनाई और अपना भी बताया कि क्या क्या हो सकता है, एक आइडिया जरूर आपको लग सकता है। देखिए, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि अगर यूपीएससी का जो कट ऑफ होता है वो कई सारी बड़ी कोचिंगों से फेल भी हो जाता है। तो एक आइडिया जरूर आपको रखना चाहिए, क्योंकि जैसे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बीच बीच में कई बार लगता होगा इधर उधर की उस फोरम में क्या बात चल रही है, इसमें क्या बात चल रही है, कितना दिल्ली के लोग बोल रहे हैं, कितना इधर के लोग बोल रहे हैं। तो ये पूरी लिस्ट मैंने बना दी, एक बार आप देख लीजिए इसमें। देखिए, जनरल की इसमें ऊपर लिखे हुए हैं, बाकी उसमें से आप 2-3 नंबर कम कर लेंगे तो ओबीसी का हो जाएगा, और करीबन 10 नंबर के आसपास, 11 नंबर कम कर लेंगे तो एससी का, और 12-13 नंबर और कम कर लेंगे तो एसटी का हो जाएगा। तो ALSIS ने बोला है कि 105 से 110 की रेंज में होना चाहिए। एक ए शाह IAS इंस्टीट्यूट मुंबई में है कोई, उसने बोला 107 के प्लस माइनस 5 की रेंज में होना चाहिए। विजन IAS ने बोला है कि 105 के आसपास। खान स्टडी ने बोला है कि 107 से 108 के बीच में। शंकर IAS की सबसे ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है। इन्होंने जैसे पिछली बार भी शायद 112-13 कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था तो उससे 116 गया है जनरल का। तो थोड़ा सा इसमें सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मानते हैं लोग कि शंकर IAS का ही होता है कट ऑफ। इन्होंने बोला है, देखिए, 107, 104 से 107 बोला है जनरल के लिए, 101 से 104 बोला है ओबीसी के लिए, 93 से 96 बोला है एससी के लिए, और 89 से 92 बोला है एसटी के लिए। ये कई सारे लोगों ने इसमें अपना, जैसे पोल ओल भी हुए फोरम IAS में, उसमें भी कुछ रिजल्ट आया है। कुल मिला के बात यही है कि 105 प्लस माइनस 5, और बल्कि और भी कम हो सकता है इससे कट ऑफ, जनरल का इतना ही जाना चाहिए इसमें। ओबीसी का 102 के आसपास प्लस माइनस 5 आप कर लीजिए, मतलब 95 से करीब, और या फिर 105 तक अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो। एससी का भी 94 प्लस माइनस 5, एसटी का 90 प्लस माइनस 5, ये फाइनल कट ऑफ होना चाहिए। जो ओवरऑल आप जितनी भी बड़ी कोचिंग है उन्होंने जो जो प्रोडिक्ट किया है उस हिसाब से, शंकर IAS की भी और बाकी सबकी भी। लेकिन कट ऑफ सिर्फ एक ऐसी फिलॉसफी है कि इस पर सभी लोग अपनी राय जरूर दे सकते हैं, गेस कर सकते हैं एग्जैक्ट ज़्यादातर चीज़ों में। कई बार ऐसा भी चांस होता है कि नहीं आ सकता है। तो अगर कट ऑफ आप ये समझ लीजिए, अगर आप जनरल के हैं, 100 के आसपास भी नंबर आपके आ रहे हैं तो मतलब आप बॉर्डर लाइन पे हैं। तो उसमें इतना ज़्यादा मत डरिए कि ये प्रिपरेशन ही छोड़ दें, प्रिपरेशन करते रहिए अपनी मेंस की, क्योंकि अगर वो अभी इस बार नहीं काम आएगी तो अगली बार के लिए ज़रूर काम आएगी, जब 3 जून को होना है 2018 के लिए। तो ये एक तरह से टोटल जितनी भी कोचिंगों ने वो जो कट ऑफ गेस किया था उसका एक तरह से समरी है ये। बाकी देखिए, पिछली बार कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गया था, 116 गया था। ऐसा 2013 में भी हुआ था, 2013 में ज़्यादा गया था, 2014 में घट गया था, काफ़ी ज़्यादा घट गया था। तो इस बार भी बिल्कुल ऐसी संभावना है कि 2016 में जो कट ऑफ गया था वो 2017 में घटेगा। कितना घटेगा ये तो टाइम ही बताएगा और यूपीएससी ही बताएगा। और बहुत सारे फैक्टर भी होते हैं इसमें कि कितने लोगों ने गैस मारे हैं, कितने लोगों के लक काम किया है, या फिर कितने लोगों का उस दिन जो चीज़ था पेपर अपने आप, मतलब पेपर सही हो गया, कई सारे लोगों के इंटेलिजेंट गेसेस सही हो गए होंगे। तो ये सब कुल मिला के ये है कि टोटल ये है, मतलब जनरल के आसपास अगर आपके 100 के करीब नंबर आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप प्रिपेयर करते रहिए, और बाकी जो कट ऑफ होगा वो धीरे धीरे पता ही चल जाएगा। तो ये आप फिलोसफी छोड़ के इधर उधर से मतलब जो आपके जैसे मन में डेली डाउट्स होते होंगे, आप वो सब छोड़ के अब तैयारी में लग जाओ मेंस की। बस होगा इस बार तो अच्छी बात है, नहीं तो अगली बार होगा, नहीं तो यूपी पीसे से और कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगी, पढ़ाई से बेकार नहीं जाती है। ठीक है,